इसमें आपने क्या क्या डाला है? नजर आ रहा है आपको कुक साहब ने गुस्सा चढ़े होना भी उन्होंने गरम गरम दही मारने हर चीज मिलती है। ब्रेड कितने की है, दूध कितने का है, और एवरीवन कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम जा रहे हैं अफजाल साहब के पास। अफजाल को बहुत से लोग जानते होंगे, नहीं जानते आज जान जाओगे। उसके पास हमारा लैपटॉप है और हमें हमारे बड़े प्यारे भाई अली भाई जो वेल्स में होते हैं उनकी तरफ से हमें आज खाने की दावत आई है, तो हमने आज वहाँ दावत पर भी जाना है। और दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी लोग पूछे थे कि यार आप जॉब कौन सी करते हो और जर्मन में यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज का इशू होता है कि नहीं होता। तो यार बिल्कुल यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज का इशू होता है। इस पर स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊंगा कि आपने जॉब ढूंढनी कैसे है और कैसे आपने अप्लाई करना है, किन की चीज़ों का ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ यह है कि मैं अभी कोई जॉब नहीं कर रहा, ढूंढ रहा हूँ। मे भी शायद एक दो महीने में मिल जाए तो मैं कर लूँ, अभी फ़िलहाल मैं कोई जॉब नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज का इशू है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अभी हम जा रहे हैं बस स्टेशन पर, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये बस स्टेशन पे हमने बस का वेट करना है, जीवन उन्सवान से एक बस आएगी। आप लोगों को याद होगा होगा जिस पे हमने जाना है ट्रेन स्टेशन, देन उसके बाद हमने जाना है वेल्स। तो आज आपको वेल्स की सैर कराते हैं कि वेल्स कैसा है। लेंस तो आपने देखा है, आज आपको वेल्स दिखाते हैं। अच्छा, ये सामने स्टोर है बिल्ला, ये मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे ही बंद रहते हैं यहाँ के स्टोर। इस पर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगा कि आपने यहाँ पर मतलब यहाँ पर ग्रोसरीज के रेट क्या हैं, कौन सा स्टोर सस्ता है, कौन सा स्टोर महंगा है, यहाँ पे किस तरह मतलब हर चीज़ मिलती है। किस तरह का मतलब कितने की हर चीज़ मिलती है, ब्रेड कितने की है, दूध कितने का है, और मेन जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं डेली बेसिस की, वो क्या रेट्स हैं यहाँ पे, महंगाई है नहीं महंगाई, पाकिस्तान की नस्बत महंगी है नहीं महंगी। तो वो सारा ना मैं एक स्पेसिफिक इस पर वीडियो आने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो जाए। तो आगे इंशाल्लाह ये है कि ऑस्ट्रिया से रिलेटेड हर एक चीज़ को मैंने कवर करना है, मेरा एम है। क्योंकि जो ऑस्ट्रिया आना चाहते हैं उनको पता हो कि ऑस्ट्रिया के अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं होता, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या नहीं होती। अच्छा यार, वेल्स हम आ गए हैं। वेल्स की आप बारिश हो रही है, वेल्स की बारिश भी आप देख लें। और ये ना क्रिसमस की इन्होंने लाइट्स वगैरह लगाई हुई हैं। मेन सड़क है ये, तो ये देखें आप, ये अब हमने करना है अफजाल का वेट। तो अब देखें अफजाल कब तक आता है, फिर उसको लेके हमने जाना है अली भाई के पास, फिर वहाँ जाके मैं आपको दिखाता हूँ। वो देख हमारा स्टॉप हैमस्टैटन रिंग अगर पहले ही हमारा नहीं थी वो देना हैमस्टैटन टॉप पे। अच्छा अच्छा वो आगे, अच्छा अच्छा तीसरा हमारा। हाँ अच्छा है।
आज हम जो डिश बना रहे हैं वो है बिरयानी। आइए देखते हैं, बैठ चल मजा आएगा। अच्छा यार ये हमारा गोश्त रेडी हो गया, ये देखिए पानी इसके अंदर है लेकिन कोई मसला नहीं, दही हमने डाल दिया, प्याज काट रहा है। ये अली भाई हमारे, अली भाई चिकन टिक्का है हां जी, हेलो कर दें जरा ऑडियंस को, इनको आप जानते होंगे पाकिस्तान में ये भी तैयारी है। प्याज हमारा काट रहा है, मसाले ये ढूंढ रहे हैं, उसके बाद ये गोश्त में दही डाल दिया है। कुक साहब जल्दी जल्दी बनाए, इसमें आपने क्या क्या डाला है नजर आ रहा है आपको? कुक साहब ने गुस्सा चढ़े होना भी, उन्होंने गरम गरम दही मारने। अच्छा ये हमने गोश्त रख दिया मैरिनेशन के लिए, ये पानी के अंदर असी पाई ने खुफिया चीज़ा, तो साढ़ा प्याज हो रहा ब्राउन, ये साढ़े कुक ने। ये हमारे शेफ ने चावल डाल दिए हैं और ये पानी था चावलों वाला, भजन ये उठा के देख लो इसके अंदर क्या। ये हमारा पक रहा है गोश्त, ये हमारी कढ़ाई तैयार हो रही है और ये हमारी बिरयानी तैयार हो रही है। ये रे कैसे डालते हैं चावल, ये एक एक चीज एक एक दाना। तू ना बस कोई नहीं तू। अच्छा दम पे हमने रख दिया बिरयानी, तो अब बिरयानी बन के मैं आपको दिखाता हूँ कैसी बनती है। A few moments later. तो बिरयानी हमारी तैयार हो गई है, ये देखें आप चावलों का रंग देखें, और ये कैमरा साफ करके दिखाता हूँ आपको, ये और खा कौन कौन रहा है ये देखें, चौधरी अफजाल साहब और अली भाई जे हो। अच्छा यार स्टेशन पहुंच गया, ट्रेन आने वाली है, मैं आपको ट्रेन दिखाता हूँ, ये देखें। अच्छा तो यार ट्रेन में बैठ गए हम, अब जाएंगे हम सीधा लेंस, वहाँ से फिर घर। यार लेंस हम पहुँच गए हैं, तो अब हमने घर जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ लेंस का स्टेशन अंदर से। ये यार लेंस का टर्मिनल है मेन, जहाँ से आप जाते हो बाहर की तरफ। ये लाइंस आप देखें, ये लाइंस का एक बहुत बड़ा मकसद है यहाँ पे। इस लाइंस के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि ये लाइन क्यों बनी, ये बेचारे अंधे लोगों के लिए लाइन बनाई हुई है इन्होंने, कि अंधे लोग इसे यूज़ कैसे करते हैं और टोटल इन लाइन का मेन मकसद क्या है। वो इस लाइन के ऊपर अपनी स्टिक ले के फिरते हैं, मारते हैं, उनको पता लग जाए ताकि लाइन पे चलना। ये लाइन बिल्कुल पूरे आपको ऑस्ट्रिया में मिलेंगी, आप इन लाइन के ऊपर चल चल के तकरीबन पूरे ऑस्ट्रिया का सफ़र कर सकते हो, जहाँ भी जाओगे आपको ये लाइन मिलेंगी ज़रूर। ये लेंस है नीचे से तकरीबन, कल मैंने आपको ऊपर से दिखाया था, अब ये लेंस का स्टेशन है नीचे से। इन्हू बहुत काली जानती, इन्हू जानते हो पहले, इन्हें जाके जहाज चलाना है ना, चलती सीढ़ियों के उत्ते चढ़ती जा रही है।
ये कल मैंने आपको दिखाया था सारा, ये लेन स्टेशन है, ये देखें। ये ऑस्ट्रिया के शेर हैं, पत्थर दे। ये देखें ये लाइंस, आपको मैं बता रहा था ये लाइंस चलती जा रही हैं बाहर बस स्टॉप तक, मतलब हम लाइंस के ज़रिए पूरे ऑस्ट्रिया में ट्रैवल कर सकते हो अगर एक नाबीना इंसान है जो देख नहीं सकता। यहाँ के लोगों ने इन लोगों के लिए भी ना इतनी सहूलियत वगैरह बनाई हुई हैं, तो आप ऑस्ट्रिया में अपने आप को अकेला ना पाएं, यहाँ पे आपके लिए भी सब कुछ मिलेगा। ये देखिए मैं आपको ये देखिए लाइंस आ गई, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ और जो हमारी बस है वो आएगी, अभी देखता हूँ मैं कितनी देर बाद, 3 मिनट बाद आएगी चिमी पार्क, क्योंकि आपको पता हमारी बस लहदा चिमी पार्क की है। और ये देखिए यहाँ पे साइकिल के दो आने के लिए जाने के लिए ये अलग जगह है जो साइकिल वालों के लिए बनाई हुई है। ये बंदों के चलने के लिए है, ये लाइनें अंधों के चलने के लिए हैं, और ये साथ वाली जो लाइन है ये साइकिलों के लिए है। ये देखिए ना ये इनका स्टॉप आ गया अंधों का, यहाँ पर आके वो रुक जाएंगे क्योंकि ये सड़क जा रही है, उसके बाद वो आगे जाएंगे, आगे जाके फिर यहाँ पे अपना स्टिक फेरेंगे। ये खुरदरी जगह सारी, ये देखें ये खुरदरी जगह, और ये देखें ये इन्होंने स्टॉप बनाया हुआ है, यहाँ पे बस रुकती है, यहाँ पे वो स्टॉप पे आएंगे, यहाँ से आगे आएंगे, और यहाँ देखें ये इन्होंने ना डॉट बनाए हुए हैं, डॉट पे आके जब वो अपनी स्टिक फेरेंगे ना उन्हें पता लग जाएगा कि ये स्टॉप है, यहाँ खड़े होंगे और जो ड्राइवर है वो दरवाज़ा खोलेगा पहले फर्स्ट और वो वहाँ से चले जाएंगे। देखिए यहाँ से ये लाइन जा रही है आगे यहाँ पे, ये देखें तो ये लाइन तकरीबन पूरे ऑस्ट्रिया के अंदर बनी हुई है। आप इस लाइन के अंदर सफ़र भी कर सकते हैं, आप इस लाइन को पकड़ के आप पूरे ऑस्ट्रिया का सफ़र कर सकते हैं, हालांकि जर्मनी तक फ्रांस में भी ये लाइन्स हैं, दूजे दिन दो मुल्कों का मैंने सुना है वहाँ पर ये हैं, बाकी का मुझे आइडिया नहीं है। तो ये है एक, लेकिन ये बस हमारी ही है, चिमी पार्क ही है, जल्दी आ गई, 3 मिनट से भी पहले आ गई आज बस, और ये यहाँ पे आके रुकेगी। ये देखें ये आ गई बस, वही अंधों के इशारे पे जाके रुकी है बस। बस इस टाइम पूरी खाली है तकरीबन, बस सिस्टम पूरी तकरीबन खाली है क्योंकि रात का टाइम हो रहा है, ये 23:23 मतलब 11:30 हो गए हैं, और अब हम अपने घर जा रहे हैं। ये जो पीछे लगे हुए ना ये एक ये और ये दो कैमरे हैं, ये दो ना कैमरे लगे हुए हैं पीछे कि अगर आप इधर कोई भी स्टोरी चलाएंगे इन्होंने आपको फौरन पकड़ लेना और आपके से फिल्म चल जाएगी। तब हम घर जा रहे हैं और अच्छा यार घर में पहुंच गया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये पूरी बस है खाली आपकी, ठीक है, ये बटन लगे हुए हैं, अगर आपने किसी स्टॉप पे उतरना है तो आपने ये बटन प्रेस करना है, अगर ये बटन प्रेस नहीं करेंगे तो बस आपके लिए नहीं रुकेगी। ये देखिए ये बटन ब्लिंक आ रहा है यहाँ पे भी, ये भी, ये मैंने बटन प्रेस किया था और ये बस रुक गई, खुल जा सिम सिम। ये देखें अब ये बस गुजरेगी तो हम सड़क क्रॉस करेंगे क्योंकि इस तरफ तो हमें नज़र आ रहा है, इस तरफ से गाड़ी ना कोई मार जाए हमें क्योंकि हमारा इशारा बंद है अभी। ये देखें तो आज का ब्लॉग यार मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मेक श्योर चैनल लाइक सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाली जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी, उसके अंदर मैंने डिटेल से बताना है कि जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं यहाँ पे, आप को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जॉब ढूंढने के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी इनकम कैसे हो सकती है। एक बंदे ने पूछा था कि आप जॉब कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तो मैं अभी बिल्कुल जॉब नहीं कर रहा यहाँ पे क्योंकि जर्मन लैंग्वेज का मसला है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, जब मेरी लैंग्वेज ही हो जाएगी मैं इंशाल्लाह यहाँ पे जॉब करूँगा, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ। तो आने वाली वीडियोज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी, आप चैनल मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।